السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الأمين الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم أبابي جرامي قدر ज़क़़त इस्लाम में इस्लाम का एक अहम रुकन है बुनियादी अरकान में से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ज़क़़त के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हैं वो लोग जो साहेब सरवत हैं जिनके पास माल है अल्लाह ने माल और दौलत दी है और को पहुंच गया है ऐसी सूरत में अगर वो ज़क़़़़त नहीं निकालता है दाएं बाएं करके निकल जाता है तो फिर ऐसे लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक और भयानक किस्म के आज़ाब अल्लाह तबारक व ताली ने तैयार कर रखे जो लोग साहब नसाब होने के बावजूद भी जकवा़त अदा नहीं करते कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक वाली ऐसे लोगों के ऊपर एक गंजा सांप मुसलत कर देगा सई बुखारी शरीफ के अंदर शुजा अक़रा का लफ्ज है ऐसे जो ज़कवात को ख़ुद हड़प कर जाने वाला आदमी है ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह तबारक वाली ऐसे आदमी के तो ऊपर ऐसा गंजा सा मुसलत करेगा कि यूं लिपट जाएगा उससे और उसके जबड़ों और होंठों को बांछों को पकड़ लेगा और फिर उसके अंदर जहर भरेगा और उसे डंक मारेगा और कहेगा अना कंजुका अना कंजुका मैं तुम्हारा माल हूँ मैं तुम्हारा खजाना यूं कहता जाएगा और उसे डसता जाएगा इसी तरीके से अल्लाह तबारक वाली उसके पास जो माल है उन मालों को उनके सोने चांदी को पिघला करके उसके जो है पहलुओं को दागेगा उसके जो है बाज़ुओं को दाएं बाएं साइड को दागेगा अलैहा फी फ़ीना जहन्नम फ़तोकवा बिहा जिबाहुहुम व मजनूब हूँ हादा मा कनसुम लुम फदोकु मा तुम तकनिजून अल्लाह ताला जो इसको उस माल से दागेगा यूं, दागेगा यूं दागेगा यूं दागेगा चारों तरफ जो है और कहेगा कि यही वो तुम्हारा माल है अब तुम इसका मज़ा चखो इसी तरीक़े से वो लोग जिनके पास माल मवेशियाँ हैं और निसाब को पहुँच चुका है मगर वो ज़क़़त नहीं निकालता वो ज़क़त को ख़ुद हड़प कर जाता है या यूं ही जो है नाम के तौर पर रस्म के तौर पर जो है थोड़ा मोड़ा माल निकाल के उसको जो है किस्सा ख़त्म कर देता है तो ऐसी सूरत में ऐसा आदमी भी ऐसे अजाब में मुबतला होगा अल्लाह के प्यारे हबीब सलाम सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है ऐसे ऐसे आदमी को जो मैदान मशर में लेटा दिया जाएगा और फिर ऊपर से जो है घोड़े की शक्ल में या फिर जो उनका माल मवेशियों की शक्ल में था उसको जो है खूब तेज़ दौड़ते हुए आएगा और उसको रोनता चला जाएगा उसको रोनता चला जाएगा सुबह अकबर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए तो गरज यह कि आपको देखना है कि आपका माल आपका माल आया निसाब को पहुंच गया या नहीं अगर निसाब को पहुंच गया है तो ऐसी सूरत में जो है आपको ज़कवा़ निकालना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप ज़क़़़़़ नहीं निकालते हैं तो इंतहाई खतरनाक किस्म के अजाब में अल्लाह तबारक वाली आपको मुबतला करेगा आपके पास कितना माल हो तो आप ज़कवा़ साहब नसाब हैं अगर आपके पास साढ़े सात तोला सोना हो यानी तकरीबन आज के जो है हिसाब से सतासी ग्राम या पचासी ग्राम सतासी ग्राम सोना आपके पास है और उस पर साल गुज़र गया है एक साल का अरसा गुज़रा है तो ऐसी सूरत में आप जो है ढाई फ़ीसद के हिसाब से टू पॉइंट फाइव परसेंट के जो है हिसाब से ढाई परसेंट के हिसाब से आप जो है उसकी ज़कात निकालेंगे इसी तरीके से साढ़े बावन तोला जो है चांदी आपके पास हो यानी तकरीबन 612 ग्राम या जो है तकरीबन 700 ग्राम आपके पास या साढ़े छः ग्राम चांदी हो या इतने जो है सोना या चांदी के मकदार में जितने में इतना सोना या इतना चांदी ख़रीदा जा सके आपके पास करेंसी हो माल हो और उस पर एक साल गुज़र गया हो तो ऐसी सूरत में आपको जो है उनमें से ढाई परसेंट के हिसाब से ज़क़ात निकालना होगा और इसी तरीके से अगर आपके यहाँ जो है सोना और चांदी है कम है तो दोनों को मिला करके उसकी नकदी का जो है दोनों को मिला करके उसमें करेंसी कितनी आएगी कितना उसका पैसा बनेगा उसकी कीमत कितनी बनेगी उस हिसाब से आप जो है अगर निसाब को पहुंच जाता है आपका माल तो फिर ऐसी सूरत में आपको जो है ढाई परसेंट उससे निकालना है अगर आप नहीं निकालते हैं तो ऐसी सूरत में इंतहाई भयानक किस्म के अजाब से दो चार हो सकते हैं अल्लाह जल शान हो सुबहान हो तला से दुआ है कि मोला करीम इस्लाम का जो एक पीलर जक़़़़त है इसकी हिफाजत करने वाला बना क्योंकि जिसने जिस तरीके से कलम तोहहीद है उसी तरीके से नमाज है उसी तरीके से ज़कवात है इनमें से कोई भी जो है हज है इनमें से कोई भी आप एक छोड़ते हैं या एक गिरा देते हैं एक तरक् कर देते हैं तो ऐसी सूरत में आप जो है अजाब इलाही के मुस्तक हो सकते हैं जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है उसी तरीके से अगर ज़क़़त के नसाब तक आप पहुंच गए हैं आपका माल पहुंच गया है तो ऐसी सूरत में आप पर ज़क़़़़़त का अदा करना वाजिब है नहीं तो ऐसी सूरत में आखिरत में जो अजाब सांप का और दूसरे दूसरे चीज़ों का आग का जो होने वाला है वो तो होगा मगर दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक को तला आपको जो है ऐसी अजाब से दो चार ऐसे अजाब से दो चार करेगा कि अपनी नेमतों को रोक लेगा आसमान से बारिशें बरसा देगा और ज़क़़त है क्या ज़कवा़त आपके माल जो है ज़क़़त से आपका माल पाक होता है ख़ुद मिन अब सदकतन सदकता व तो हिम आप जो है ज़क़़़़़त का माना है जो है जकवात माल का मैल है मैल मैल कुचेल है उसकी गंदगी है अब आप अंदाज़ा कीजिए आप जक़़त नहीं निकालते हैं तो गोया कि आप गंदगी खा जा रहे हैं आप जब गंदगी खा जाएंगे तो आपका पेट नहीं फटेगा तो क्या होगा आपको तरह तरह की बीमारियां नहीं घेरेंगी तो कौन घेरेंगी बतलाइए तो दुनिया में भी आप अज़ाब और ला रसोल्लामान ज़क़ात अल्लाह के रसुल्ला वसम ने जक़त न देने वाले के ऊपर लानत की है और अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे लोगों को मुशरिकों के दर्जे में शुमार किया है वही लुलमशरिक्लिन ज़क़़त हम बिलातम काफ़िर काफिर काफिर मुशरिकों के दर्जे में उनके साथ शामिल किया है जो लोग ज़क़़़त को हड़प लेते हैं ज़क़़त नहीं निकालते हैं ज़क़़त निकाल करके उसके मस्हकिन तक आपको पहुँचाना है और याद रखिए ज़क़ात के लिए सिर्फ़ रमज़ान ही फर्ज रमज़ान नहीं है ज़क़ात का कोई महीना नहीं है ज़कात जब आपके माल के ऊपर जिस दिन साल पूरा हो जाए उसी दिन आप ज़कात निकाल दें अगर आप लेट करते हैं ताख़र करते हैं तो ताखिर की सूरत में बिला किसी जो है शर् उज़र के आप ताख़र करते हैं यूँ ही टाल मटोल करके तो आप गुनहगार करार पाएंगे एक बात याद रखिए और ज़क़़त निकालने के बाद आप जो है निकाल करके दे दें मस्तक़ी तक मस्किन तक फ़करा तक जो आठ मसारफ़ है आठ जगहें हैं ज़क़़त ख़र्च करने के उन जगहों पर आप दे दें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं कि बज़ दफ़ा बहुत सारे लोग रख लेते हैं ज़क़़़़़त ज़क़ात रख लेते और पूरे साल देते रहते हैं भैया जिस दिन आप पर ज़क़ात वाजिब हो गई उसी दिन निकाल देना है मुस्तक़ी तक जल्द अज जल्द पहुँचा देना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और वही रख रख के एक फ़कीर आता है भीख मांगने वाला आता है दाएँ आता है बाएँ से आता है उसको दे देते दो रुपया चार रुपया वो आपकी ज़क़ात नहीं होगी चूंकि ज़क़ात पर आप की हुकूमत नहीं चलेगी आप जो है उसको जल्द जल्द अदा कर दें उसके अलावा जो चाहे आप सदका करें खैरात करें ये अलग चीज है मगर जो है जकत के लिए कोई महीना खास ना करें जिस दिन आपके माल के ऊपर जो है जकत साल पूरा हुआ है जो मकदार अभी मैंने बतलाया उस हिसाब से तो आप जो है फ़ौर जक़ात अदा कर दें अल्लाह जल्लशान सुबहान ताल से दुआ है कि मोल करीम हम तमाम उम्मत मुस्लिम को जो है ज़क़त जैसे फ़रीज़े की अदायगी की तोहफ़ी कता फ़रमा क्योंकि यह ऐसा हसास मसला है कि हम जो है बज दफ़ा सुस्ती की वजह से या कंजूसी की जैसे छोड़ देते हैं यकीन जानिए अगर आपने कंजूसी की वजह से छोड़ा तो आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब उकरील्ला तुमों ने कहा था कि जो रसूल्लाह को एक रस्सी भी एक ज़क़ुत में देता था अगर वो सिद्दीक को ना दो अबू बकर को ना दे तो अबू बकर उससे झंग करेगा तो बतला ये कितना हसास मसला है हमें से हर आदमी को जो है आ, शायर इस्लामिया की हिफाजत करनी चाहिए अल्लाह तबारक को ताला हम सबके हिफाजत फरमाए हर तरह के से फसाद से महफूज फरमाए आमीन तकबलिया और वरह व